चलो देखा हमने यहाँ पे चीज़ को, मतलब मॉडल का, तो मॉडल में हमें एक आइडिया मिला भाई। चलिए हमने देखा कि शेप्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं इसको। तो मैं अगर मैं मैनेज एंड मॉडिफाई करूँ, जैसे यहाँ पे देखो कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक्सपर्ट मोड में आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो पार्ट है 1 2 3, ये जो पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो देखा ये आप थोड़ा सा ऐसे निकाल के देखता हो तो ये क्या है, तो शेप्स को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक। ऐसे करके मैनेज कर, कॉर्नर वाले पॉइंट को आप ना करो इसमें, ऐसे करो तो थोड़ा सा बेटर देखेगा आप यहाँ पे कि भाई फ्लैट नहीं आएगा। इतनी मैनेज की है तो इतना मैनेज पर हम लोग चाहिए, देखो मैं इसको मैनेज कर, ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट थोड़ा बेटर देखेगा आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है। तो ये जो शेप्स है, इन शेप्स को लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं चीज़ को मैंने मैनेज किया, तो पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखता है। तो आप इसको ऐसे मैनेज करोगे तो बेटर देखें यहाँ पर। सेम चीज़ अभी आपके पास यहाँ पे भी है, अगर मैं इसको भी यहाँ से लेके चलता हूँ यहाँ पे, देखना भाई ये जो मेरे पास कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के साथ मैं इसको भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से भी मैनेज करके दूँ तो बेटर दिखेगा। ये शेप्स थोड़ा सा और बेटर दिखेगा, जो शेप्स को मुझे दिखाना भाई, मेरे पास कनेक्टिविटी है। अभी कनेक्टिविटी को मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया, अभी ये मैं यहाँ से भी कनेक्ट करके दे सकता हूँ, फिर मुझे ऐसा कुछ काम करा तो मैंने ये दिया, ठीक है। और देन ये पार्ट भी आपको थोड़ा सा धीमे धीमे आप करके आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको आप कर दो तो भी आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्या, कि देखो ये आपने किया, ऐसे करके आप मैनेज करते तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो कोई भी चीज़ अंदर की तरफ ना जाए, 4 एंड 5 यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बाई चांस कभी कुछ ऐसा हो गया तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ मेरे से हुआ नहीं और मैंने किया नहीं, ठीक है। आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने, राइट साइड में गए, फोकस कर दिया, देखो यहाँ पर इन चीज़ों को आप कोशिश हो उसके बाद ऐसे ही मैनेज करो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ऐसा मैनेज कर दे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखने में तो बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा, लेकिन हाँ जब बनाने बैठोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ओके ये हमें काम करना है, ऐसी चीज़ को मैनेज करना है। ये सब चीज़ जैसे यहाँ पे देखो, इसको भी हमने किया फ्लैट में किया, तो ये बीच में इसमें भी मैं इंप्लीमेंट कर दूँगा, तो बस ये चीज़ और थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे। देखो आप जैसे ये तो इसको आपने बाहर कर दिया, या एक ऑप्शन आपका सी भी है 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 टू वर्टेक्स एंड शिफ्ट एंड एवरेज, तो ये आप ऐसे मैनेज कर सकते हो अपने, तो राउंडनेस आपका अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। देखो अगर आप 3 प्रेस करके देखते हैं अपना ऑटोमेटिक राउंडनेस आपका भी देखेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा मैनेज कर तो भी आपका राउंडनेस देखेगा, राइट क्लिक सॉफ्ट एंजेस, तो सॉफ्ट एजेस भी आप देखोगे तो देखो राउंडनेस आ रहा है। ऐसी चीज़ जैसे मैंने इसमें बताया, आप ये काम इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। देखो इनके इनके आपको लगे कि ये पार्ट में थोड़ा सा बेटर करना है या कोई चीज़ में बस ऐसे करके मैनेज, एंगल वाइज आप थोड़ा सा चेंज कर देखो तो आपको थोड़ा सा बेटर देखेगा। देखो ये एक ही लाइन में देखे तो ज़्यादा बेटर है आपके वैसे, ठीक है। तो वो पार्ट आप यहाँ से यहाँ देखो एंगल चेंज कर देखो तो आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज गुड। ये आपका बस ऐसे मैनेज दिखा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट और बेटर भी दिखेगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा आप भी कर दें यहाँ पे, मेक श्योर थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा बेटर दिखे, लुक वाइज थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये बेसिक सा पार्ट था, मैंने कहा चलो एक बार आपको गाइड कर दूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखो बस यहाँ तक ये पार्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा बहुत कट भी है, अभी एक कट यहाँ पे, तो इस कट को मुझे मैनेज करने के लिए वो बड़ा वाला पार्ट देखना है बस, और अपना देखो मेरे पास ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को अगर मैं मैनेज करता, तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो अभी बड़ा वाला पार्ट अगर यहाँ पे दिखा तो इसके अंदर मुझे एक आध कट देना है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या एडजस्ट कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा वर्टेक्स पे गए एंड सैम्फर वर्टेक्स कर दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे मैनेज करना हो तो मैं ऐसे कर सकूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैंने काम किया, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ शिफ्ट एंड यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट सी एंड मिलने वाला था यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ एजेस पे, देखना सी एंड मिलने वाला देखो यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे मैं करूँ एक कर्व के साथ थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करती हूँ तो मैं यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर ये देखिएगा आप देखो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये देखो ये इस एक्सिस से मैं तो ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी ये जो पार्ट अगर ऐसे दिखा दे तो मैं ऐसा इम्पैक्ट देखेगा। दस इसके अगर मैंने मल्टी कट दिया, हम लोग ट्रैंगल यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के लिए बना रहे थे वहाँ पर, ठीक है। ट्रैंगल यूज़ करेंगे लेकिन वो ऐसे, अगर मैं नहीं यूज़ करूँ तो भी काम चलेगा क्योंकि वो क्वाड था, लेकिन यहाँ पर ये शेप्स थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो आप ऐसे करके छोटे मोटे कोई कट आपको दिखाना है आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जैसे देखो
अभी क्या होता है, जब भी मैं कोई भी मॉडल गेम में इंपोर्ट करता हूँ तो वो सब सारे मॉडल को ना ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने ऐसा मॉडल है ना, इस मॉडल को अगर मैं गेम इंजन में इंपोर्ट करूँगा तो वहाँ पे सबको ट्रायंगल में कन्वर्ट भी कर लिया जाता है अगर ट्रायंगल में चाहो तो। ठीक है, तो हम लोग काम तो ऐसे करते हैं, लेकिन हाँ अगर हमें नीट होता है तो हम लोग उसे ट्रायंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो यहाँ तक हमने कर दिया। ये चीज़ मैंने देख बताने की कोशिश की भाई यहाँ पर मुझे कुछ एक ऐसा काम है जिसके अंदर मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ, डिस्प्ले शो एंड ऑल। ये भी कैसे लगेगा, इसके पीछे का ही पार्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रिड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ग्रिड ऑन कर देता हूँ तो ग्रिड था यहाँ पे देखिएगा भाई, मैं बस ऐसे गए लेफ्ट राइट साइड फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो आप ये पार्ट दिखेगा। छोटे छोटे रेफरेंसेस को आप यहाँ पे थोड़ा डील करोगे, रेफरेंस को फॉलो करना स्टार्ट करो तो आपको देखे देखो यहाँ पे पार्ट दिखना है। अभी ये कुछ एक चीज़ ऐसे दिखने जैसे ये से मैंने दिखाया, मुझे ये पार्ट यहाँ से दिखाना था तो यहाँ पे दिखा दें। ठीक है, अभी कई बार जैसे ऐसा होता है ना कि मैं इसके अंदर जोड़ दूँ कॉम्प्लेक्स मॉडल के लिए, तो मैं इसके अंदर जोड़ भी सकता हूँ। तो एक सेकेंडरी पार्ट हम लोग यहाँ पे रख सकते, तो भाई मुझे अगर जोड़ना पड़े तो मैंने यहाँ पे क्या किया देख देख रहे हैं आप, ये मैंने कहा भाई मुझे अगर यहाँ पे जोड़ना पड़े तो मैं इसके अंदर जोड़ के भी दिखा सकूँगा। ये पार्ट देखें, इस वाले पार्ट को मैंने फिलहाल में तो मैंने अंदर कर दिया वर्टेक्स में, और मैंने कहा भाई थोड़ा सा अंदर रख के काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेटर देखिए। ठीक है, देन थोड़ा सा अगर मैं रोटेशन दूँ तो मैं बस ये पार्ट यहाँ से, और देन अगर ये कर्व में देना है मुझे यहाँ पे देखो देखना भाई ये पार्ट, ये समझोगे आप यहाँ पे बीच वाले पॉइंट को छोड़ दूँ, फोर प्रेस करो, बीच वाले पॉइंट को छोड़ दिया, कंट्रोल प्रेस करके डिस्प्ले कर दो, बाकी वाले पार्ट को ऐसे अंदर कर दो फोर एंड फाइव, तो ये अराउंडनेस में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन इस वाले पार्ट पे गए मैं यहाँ पे, और देन इसको मैंने ऐसे करके मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाना देखा पे, ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो। मुझे ओवरऑल ही अंदर करना है, लेकिन एक तरीके से अंदर करना है। ठीक है, जैसे ये पार्ट में बस इसके अंदर से ही दिखे कि इसके अंदर ही जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया जैसे मैंने पता ना कि ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसे भी मैं मैनेज करता हूँ, और यहाँ पे इस टाइप से देखो मैस के ऊपर ही दिखना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या लगा कि मैं जो मैस है मेरे पास यहाँ पे, इस मैस को मुझे या तो इस मैस को थोड़ा सा ऊपर करूँगा या इस मैस को थोड़ा सा ऊपर करूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा सा इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं इसे ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ मुझे ऐसे भी अगर मैनेज करना है तो ऐसे मैं मैनेज करके बैलेंस कर दूँ, तो कहीं ना कहीं से मैं यहाँ पे मैनेज कर देना है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये बहुत बेसिक सा शेप है। ठीक है, इस बेसिक से शेप को थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स शेप बनाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा बढ़िया से करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे देखिए एक तरफ से अप एंड डाउन दिख रहा है, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे ये पार्ट में थोड़ा सा अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे ऐसे लगेगा कि भाई ये पार्ट मैंने थोड़ा सा दिया, और हल्का सा मैं स्केल कर दूँ लिटिल बिट स्केल, तो थोड़ा सा पतला भी लगेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा लगेगा मैनेज, ऐसा सिंपल बॉक्स ऐसा शेप नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अंदर आप आते हो तो इसके अंदर स्कल्पिंग में आपको कई चीज़ें मिलती है, जैसे देखें अभी एक बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे ऐसे कुछ है, कहीं कई जगह मुझे ऐसे भी काम करना पड़ता है, जैसे देखना भाई ये जो पार्ट है यहाँ पे मैंने क्या कि इसको मैंने ऐसा स्केल कर दिया यहाँ पे। तो मॉडलिंग के अंदर ये सब चीज़ पर हमें ध्यान देना पड़ता है कि भाई सिर्फ थोड़ा सा इरेगुलर शेप लगे, ऐसे नहीं लगे कि भाई हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे वो कुछ बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन ना लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगे कि हमने यहाँ पे सिंपल बॉक्स रख के सिलेंडर रख के काम कर दिया, और थोड़ा सा शेप में भी थोड़ा सा देखना चाहिए भाई शेप्स को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ आपको देखेंगे भाई यहाँ पे मैं कोई भी काम करा तो मैं एक चीज़ को कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ज़्यादा डिटेलिंग में हो तो यहाँ पे जो होता है मैनेज करके दे सकते हैं, अगर मुझे लगता है डेप्थ अगर देना पड़े तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा डेप्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, बेवल करके वो भी काम किया जा सकता है। चलो फिलहाल में तो ये देखते हैं, ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे, हमने देखा ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, छोटे छोटे चीज़ हैं लेकिन उनको तो हम लोग अगर समझेंगे तो वहाँ से यहाँ पे काम अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दिखाया कि मेरे पास यहाँ पर मॉडल है, मॉडल के साथ मैंने दिखाया मेरे पास ये जो कनेक्टिविटी जो आ रही है। ठीक है, ये जो कनेक्टिव अभी ये कनेक्टिविटी आ रही है वो मुझे इसके अंदर से दिखाना है। ठीक है, लाइक यहाँ से जो पार्ट है मैं इसके अंदर से भी दिखा सकता हूँ, जैसे मैं कहा इसके अंदर से मुझे पार्ट देना है, अब सपोज ये पार्ट मैंने किया, मुझे ये पार्ट अगर इसमें जोड़ना पड़े तो मैं कैसे जोड़ सकता हूँ। अभी ये चीज़ मुझे ऐसे दिखाना है कि ये इसी का पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, कि भाई अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट, यहाँ से मैंने इसको मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, कि ऐसा लगे इसी के अंदर से वो लटे टाइप से निकली हुई है, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ।
ठीक है। अभी जैसे मैंने क्या टॉप पे गया, टॉप पे जाने में तो मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैंने कर दिया इधर, इसको मैंने कर दिया इधर, और इसको मैंने कर दिया इधर से ऐसे, ठीक है। अगर सेगमेंट की नीड हो तो सेगमेंट देना, जैसे देखो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, फिर देखो यहाँ अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज भी कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, मैं ये धीमे धीमे ऐसे लेके आता हूँ, ठीक है। इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, अरे देखो ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये पार्ट मैंने मुझे ये कॉर्नर पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ मुझे ये रोटेशन में चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर मैं चाहूँ कि मैं मुझे ऐसा कुछ जोड़ना पड़े तो मैं जोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ अभी थोड़ी सी ख़राब ही हो रही है, अंडू करता है देखो, ठीक है। अभी ये चीज़ मैं अगर चाहूँ कि मैं मुझे यहाँ पर इसके साथ कनेक्टेड करना है तो मैं ऐसे भी कनेक्टेड कर सकता, जैसे सपोज मॉडलिंग तो मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर। तो इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर ले गया, ठीक है, और मैंने कहा भाई एक काम करो, डू वन थिंग, यहाँ से मुझे इसको जोड़ देना है, ये पार्ट में से यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। फोर प्रेस करके देखो ये पार्ट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो मैंने कहा भाई काम करो, एडजस्ट को लिया मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, ठीक है। तो ये पार्ट अगर यहाँ से मैं जोड़ दूँ 4 एंड 5, एक टिप्स बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई मुझे अगर यहाँ पे जोड़ना भी पड़े तो मैं कैसे जोड़ सकता हूँ। मैंने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेसेस है, इस फेसेस को मैंने कर दिया डिलीट, तो यहाँ से मैंने डिलीट किया और यहाँ से अभी मैं इसको यहाँ पे मैं करूँ तो मैं उस यहाँ पर पॉइंट कितना जाने वाला है, यहाँ पे मैंने क्या किया एडजस्ट पे गया और रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डब्लू 4 प्रेस करो, ध्यान से समझने का, ठीक है, 4 एंड 5। अब जैसे बस ये नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट में बस यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट देखना है, इसको मैंने कर दिया वी एन स्नैप यहाँ पे कर दिया, मैं कहा इधर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे एक वी एन स्नैप यहाँ पे कर दिया। अगर आपको जोड़ना पड़े तो आप क्लिक कॉम्प्लेक्स ना हो, भाई मुझे यहाँ पे काम करना, वी एन स्नैप यहाँ पे कर दिया। देन अभी मैं इस वाले फेस को डिलीट कर दूंगा, नहीं तो ये मेरा जुड़ेगा नहीं, डिलीट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। देन इस वाले वर्टेक्स को लेके गए और जो मैंने वी एन स्नैप कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ तक मेरे को तो मैं यहाँ पे जोड़ते दिखाते, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स। अभी ये जो मैंने जोड़ दिया, इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्टेक्स पे गए, इसको तो सब मैं मैनेज कर देता भाई, मैं सी तो मैनेज करने के नीड है, तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे कर दूँ। अभी इसी का पार्ट लगेगा टॉप पे गए, तो टॉप पे गए। अगर आपको जोड़ना हो तो अभी देखें ये पार्ट अपने यहाँ पे क्या, ये पार्ट अपने ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पर। अभी क्या लगेगा, इसी में से पार्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर प्रेस करके देखो तो आप यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पर जब मैं चीज़ को जोड़ूंगा, जुड़ा नहीं है, वर्टेक्स सबको सेलेक्ट कर दिया। पहले देखो सबसे पहले चीज़, ये दोनों कंबाइन है कि नहीं, दोनों कंबाइन नहीं तो जुड़ेंगे, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दो आप यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स। ध्यान रखना अगर कंबाइन नहीं हो तो जुड़ेगा नहीं। 3 प्रेस करके यहाँ पर क्रॉस चेक करना, देखो देखना इसी के पार्ट यहाँ पर जुड़ता हूँ नजर आएगा। आप यहाँ पर चीज़ को मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा काम करना है 4 एंड 5, यहाँ पर देखना ये जो पार्ट है यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे मैनेज कर दो 4 एंड 5, देखना ये आप ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं। दोबारा तो आपको यहाँ पे लगेगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखाऊंगा तो आपका काम आसान हो जाएगा कि भाई मुझे अगर ऐसे कुछ काम करके दिखाना तो मैं दे सकता हूँ आप, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका बताया, अगर आपको यहाँ पे जोड़ना पड़े, जोड़ के आप चीज़ों को मैनेज करके दोगे तो आपके पास थोड़ा सा बेटर देखेगा अपने काम। अभी यहाँ से मुझे क्या, जैसे यहाँ पर मैं जोड़ने के लिए मैंने बोला तो मैंने क्या किया, इस साइज को सेलेक्ट कर दिया मैंने आप, देखो अभी ये चीज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा जस्ट काइंड ऑफ रोटेशन, और मैं थोड़ा सा इधर की तरफ से मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करूँगा, देखा था ये सेलेक्ट कर दिया, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन ये छोटा कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको आप यहाँ पे मैनेज करना चाहते हो थोड़ा सा मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा टचअप देना चाहो, देखो ये छोटी छोटी चीज़ को आप पकड़ोगे ना आप यहाँ पे, बी है मेरे पास, बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो डिटेलिंग में तो उससे जाओगे तो ये देखो यहाँ पे अच्छी आपको दिखेंगे, आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। वैसे इतना डिटेल में कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे करके दिखा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक मैं चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि भाई मैंने यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी दी है। अभी देखो यहाँ पे मैंने जब मैनेज कर दिया, तो यहाँ पे मैनेज करने तो मुझे यहाँ पे क्या लगा, मेरे एक मैस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ये मैस ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इस मैस को ऊपर की तरफ जाना है तो मैं या तो मैं इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, या तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का साफ स्केल कर दूँ ताकि मेरे को ये थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पर, और ये मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पर, देखो कि आपको ऐसे भी दिख जाएगा। तो आपको मैनेज करना आना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको काम को डील करना आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखना, अभी जैसे ये एजेस है मेरे पास यहाँ पर, तो एजेस को मैंने जब सेट किया ना अभी, तो इस वाले पार्ट को मैं हल्का सा स्केलिंग करके दे सकता हूँ, देखा
नहीं ऑटोमेटिक सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगे आपके साथ। तो मैंने तो बहुत यहाँ पर करेक्शन कर दिया, भाई ऐसा कुछ काम करना तो मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर से पार्ट निकलता हुआ नजर आएगा कि भाई ये पार्ट यहाँ से निकल रहा है, तो मैंने यहाँ भी दिखा दिया भाई इसके अंदर से पार्ट निकलना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मैनेज करते हो, टॉप पे गए, ठीक है, पॉइंट पे गए, फोर प्रेस कर देगा, अभी एक में से बनाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती अगर पहले से आप स्टार्ट कर दें। हाँ अभी आपने स्टार्ट किया तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, धीमे धीमे आपको ना कुछ ऐसी चीज़ भी मिलेंगी जहाँ पर आपको चीज़ों को जोड़ना भी आप पाएगा, आपको जहाँ लगे यहाँ पर आपको ऐसा फील हो वहाँ पर एक एजेस दिख देगा अभी रिंग के मैं तो लगे तो आप एजेस को भी दे सके मैनेज कर सकते हो, रिंग एंड स्प्लिट कर सकते हो, टॉप पे गए या आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव गए ठीक है। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको अगर मैनेज करना तो आप रिंग एंड स्प्लिट करके सेगमेंट दे सकते हो, इन सेगमेंट्स को थोड़ा सा ये जो पार्ट है आप ऐसे थोड़ा सा राउंडनेस देना चाहते हो राउंडनेस दे सकते हो आप यहाँ पर ठीक है। भैया ऐसे करके मैनेज किया जा सकता है, तो स्पेसिंग थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पर। अगर मुझे सेगमेंट्स को मुझे इतनी ही नीड है तो मैं यहाँ से भी चीज़ों को मैं काम कर सकता हूँ, कभी काम करने वाला प्रोसेस तो आपको नहीं बताऊँगा फिलहाल। मैं कहूँगा भाई आपने थोड़ा सा ऐसे कुछ काम करना है तो अभी फिलहाल मैं मॉडल कर लूँ, मॉडलिंग के ही हम लोग थोड़ा सा देखें ठीक है। चलो लेफ्ट में गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पर ठीक है, और राइट में गए यहाँ पर ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे देखो क्लॉथ के अंदर हम लोग आए तो यहाँ पे चीज़ में बस ऐसे कि जैसे मुझे यहाँ पे सेप्स को यहाँ पे ऐसे लेके जाना है, अभी ऐसे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अगर चीज़ को अगर मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक सेप दिख रहा है जिसके अंदर मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करूँ। अब देखो यहाँ पे जो एक लीफ का जो पार्ट दिख रहा है ना ये भी हम थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कैसे करें। फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये सेप लो और ये सेप देखो एक दो तीन, ये शायद ये दोनों सेप सेम जैसी नज़र आ रहे हैं मुझे अगर मैं आपको बताऊं। देखो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे ये सेप और ये सेप ऑलमोस्ट सेम जैसे ही नज़र आ रहे हैं, तो ये सब अटैक में यहाँ पे लगा सकता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऑलमोस्ट कहूँ तो ये शायद ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, सेम ही है। तो अब इससे अगर मैं यहाँ पर बना के उठा के लगाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। उसका देख सिंपल सा स्ट्रिप दे रखा है जब ये ऐसे मैस गया हुआ है ठीक है, तो फटाफट से इसे भी पहले बना लिया। जैसे मान लो यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे करके मैं शेप्स को मैं थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट एंड राइट क्लिक क्रिएट पॉलीगन टूल यूज़ करते हैं यहाँ पर 1 2 जब काउंटेड में है ना जब मुझे ऐसे शेप मुझे मैनेज करना है तो मैं ऐसे और इस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करके काम करूँगा यहाँ पर ठीक है। ठीक है एंटर कर दिए, ये आपका मैच बन गया, फोर प्रेस करोगे 4 एंड 5 ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैच आपका रेडी है ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया फेसेस क्लिक कर दिया, फेसेस देन राइट क्लिक एंड एजेस पे आ जाओ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे और ये मैंने एक्सट्रूड ऐसे कर दिया यहाँ पर ठीक है। अभी ब्लैक आ रहा है टेंशन मत लेना और चीज़ को मैनेज कर देंगे। देखो यहाँ पे मुझे लगे यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, ये पॉइंट में बस यहाँ आने वाला है तो यहाँ पे एक सेगमेंट की नीड है, जब मेरे को सेप कुछ स्टेप्स में मिले तो मैं ऐसे भी करके तो वह मैं मैनेज करके दिखाऊंगा तो मुझे ये सेप मुझे यहाँ पर चाहिए ठीक है। काइंड ऑफ रेफरेंसेज देखो यहाँ पर देखें अभी ये पार्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आप ऐसे करके मैनेज करके दिखाओगे यहाँ पर ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, इसके साथ में रखें ताकि ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक लगे। अभी देखो कहाँ पर नहीं मिल रहा है भाई, एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट कर दिए, वर्टेक्स पे गए, यहाँ पे चीज़ें ऐसे मैच नहीं करते, ये मैंने कर दिया यहाँ ठीक है। रेफरेंस ऑफ करो ठीक है, फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड फेस रिवर्स नॉर्मल्स ठीक है कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या देखो ये सिंपल सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा 3D में देखना था यहाँ पे थोड़ा डेप्थ अलग पार्ट दिख रहा है, अभी इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में ले लूँ, आउटर शेप मैंने मैच कर दिया ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसको सेलेक्ट कर दिया ठीक है, मॉडिफाई एंड सेंटर पर कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है। अब इसको मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ इसको लेता हूँ कॉपी करता हूँ, एडिट पे गए एंड डुप्लीकेट स्पेशल, ध्यान देना डुप्लीकेट स्पेशल मैं यहाँ पे इंस्टेंस कर रहा हूँ ठीक है। रोटेशन मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे रोटेशन में क्या है, ये मैंने रोटेशन दिया कहाँ पर जा रहा है, ये वाई पे जा रहा है तो वाई पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया रिसेट कर देना पहले एडिट एंड रिसेट ठीक है, 90 कर दो -90 या 90 यहाँ पे अप्लाई कर दो ठीक है। डब्ल्यू किया मैंने अभी देखो इसको उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ मिक्स हो यहाँ पे देखो देखना अभी
क्या लाने का रीज़न बताता हूँ, अभी यहाँ पे मैंने ले किया तो अभी मुझे क्या जो थिकनेस जो चाहिए वो थिकनेस मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ फेसेस, ठीक है, एंड सेफ्टन एक्सट्रूड, जितना मेरे यहाँ पर रेफरेंस है उतना मैंने एक्सट्रूड कर दिया, तो आपको दुकान पर एक्सट्रूड उतना पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग को सारे काम ही सेलेक्ट कर दिया एंड रिवर्स नॉर्मल्स कर दिया तो काम खत्म, थिकनेस यही है, ये थिकनेस आ गया, रेफरेंस को जितना आप ऑब्जर्व करके बनाओ तो हल्का सा अंदर डेप्थ गया, तो डेप्थ देने के लिए पे मैंने क्या कर दिया फेसेस सेलेक्ट कर दे दूँ यहाँ पे, फोर एंड फाइव दिखने दिखा यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे क्या वो शायद इंस्टेंस पे काम नहीं हुआ, चलो इसे ही काम कर लेते, देखो यहाँ पे अभी जब मैंने काम किया देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, बस एक दो चीज़ें क्या हैं जैसे मैंने देखो एक चीज़ को यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, फिलहाल मैं एक बार मैं अनडू करके देखता हूँ, मेरे पास इंस्टेंस काम करना चाहते हैं, इंस्टेंस पर काम नहीं हुआ, लेट मी क्रॉस चेक, अनडू कर देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं जब डुप्लीकेट किया ना तो डुप्लीकेट में वो सही हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया, एडिट एडिट में चलते हैं, डुप्लीकेट स्पेशल इंस्टेंस करना था मेरे कॉपी में ही रह गया, ठीक है, इंस्टेंस का बेनिफिट पता चलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या राइट साइड में यहीं से ब्लैक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया राइट साइड में किया, राइट साइड में यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे एक्सट्रूड देखो यहाँ पे लिया मैंने इधर की तरफ, ठीक है, फेसेस एंड फेसेस आ रहे हैं दोनों में आना चाहिए ताकि मैं दोनों में देख सकूँ यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एक्सट्रूड किया, हाँ अभी देखो दोनों में आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये तरीका है काम करने का, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया फेसेस लगा दिए, ये फेसेस मेरे पास ये वाला, अब ये वाला फेसेस इधर है, ये वाला फेसेस इधर है, ठीक है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अगर एक्सट्रूड करना पड़े, मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ से अंदर तरफ गेमिंग में जब भी होगा ना ये हल्का सा स्केल करके ही काम करना देखा था, आर फॉर स्केल स्ट्रेट एक्सट्रूड नहीं होगा, लिटिल बिट ऑफसेट कर देना यहाँ पे ताकि दूर से दिखे यहाँ पे, ठीक है, फोर प्रेस करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा इतनी दूर तक यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज गुड, अभी देखो यहाँ से अगर मैं करता हूँ राइट साइड पे गया, यहाँ देखो फोर प्रेस कर दिया, अभी इसके अंदर भी इसको शेप्स हैं, उन शेप्स को भी समझते हैं बनाते हैं फटाफट से, ओके, अभी जैसे यहाँ पे देखो ये कुछ शेप्स हैं, शेप्स को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये शेप्स हैं प्लस में इसके अंदर से वो शेप निकले हुए हैं, देखो कुछ क्वान्टिटी जैसे शेप नज़र आ रहे हैं आपके यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं इनको भी एक्सट्रूड कर दूँ, जब मैं थिकनेस में बस आ गया है तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर लिया डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ही देखो यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स वर्टेक्स क्लिक मैंने यहाँ तक सेट कर दिया, एजेस पे गए एजेस एंड रिंग एंड स्प्लिट, तो अभी मैं यहाँ पे काम करूँगा वो तो ऑटोमेटिक काम हो रहा होगा, देखो परस्पेक्टिव गए देखो इधर अपने आप आए कि नहीं, देखो ये इंस्टेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको यहाँ बच्चे मिल जाएंगे, सेम चीज़ जैसे यहाँ पे देखा फेसेस फेसेस पे गए डिसलेक्ट कर दिया, स्विफ्ट एंड एक्सूट यहाँ पे गए, यहाँ देखो यहाँ पर मुझे नीड नहीं है, सब कुछ बैलेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है, अभी देखो यहाँ से पॉइंटेड नज़र आ रहा है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ऑल टच डिस्प्ले सो एंड ऑल फाइल को सेव एज भी करते रहते हैं, देखो एक सेव का एक ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे सेव में जाते हैं यहाँ पे सेव में इंक्रीमेंटल का एक ऑप्शन होता है, कभी आपकी फाइल ख़राब हो जाए तो इंक्रीमेंट का सेव आप यहाँ पर ऑप्शन ऑन कर सकते हो, सेव करो आप यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे फाइल में आकर सेव करता हूँ, सेव सेवाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे पाथ है, प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, एड्रेस को कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, देन फाइल पे मैं पे किया कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है, प्रॉप्स यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, इसके जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ थोड़ा सा चेंजेस करना, तो इंक्रीमेंटल सेव कहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो देखो इंक्रीमेंटल सेव है ना यहाँ पे, अभी आपको सिर्फ कंट्रोल एस करना है तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी फाइल कभी भी 5 मिनट 10 मिनट का बैकअप में फाइल आपके पास रहेगी, हाँ बार आप अगर बार बार सेव एस पे जाते हो तो वहाँ से बच जाओगे, ठीक है, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इसके लिए एक चीज़ मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा राउंड है, जैसे हम लोग कलर रेफरेंस को देख कर चले यहाँ से पॉइंटेड जैसा पार्ट देख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ठीक है, अभी देखो 4 एंड 5 यहाँ पे देखना, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया इसके बाद मुझे यहाँ पे इसे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इनको मैंने थोड़ा सा रेफरेंस में देखो तो ये पॉइंटेड जैसा नज़र आ रहा है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे
ये कम होना चाहिए, रिंग एंड स्प्लिट करते हैं यहाँ पे। देखो रिंग एंड स्प्लिट कैसे आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा राउंड चाहिए मुझे यहाँ पे, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा। देखो रिंग एंड स्प्लिट देखना अभी, क्योंकि मुझे सेगमेंट्स को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो पहला काम एजेस 1 एंड 2, और फॉर स्केल तो मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ, तो ये मैनेज हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हो, ठीक है, अराउंड के साथ अगर मैनेज करते हो तो मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे। पे मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ऐसे राउंड, समझ यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैनेज करूँ तो मैं उससे राउंडनेस था सेप आएगा, जिसमें यहाँ पे क्या जैसे मैंने सेट किया, जैसे ये देखो ये दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड डिलीट, ठीक है। जो मेरे पास एजेस है ना, इस एजेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूँ, जैसे मैंने सेट किया तो ये एजेस मैंने यहाँ पे कर दिया बेवल, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर ले गया था यहाँ पे, ठीक। अगर यहाँ पे राउंडनेस आ गया तो आप यहाँ पे चीज़ों को जाओ बेवल करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे एक सेगमेंट के साथ, तो राउंडनेस आपको यहाँ पे दिखेगा। आप कितना पॉइंटेड करना चाहते हो इस टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और फॉर स्केल तो आप यहाँ पे अच्छी ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, जितना पॉइंटेड करोगे उसके यहाँ पर ये चीज़ें आपको और भी बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। राउंड में आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे सेगमेंट्स में बस थोड़ा सा अपोजिट, जैसे सीधे में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रैवल कराना पड़ेगा। ट्रैवल कराने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी या तो मैं इसके अंदर यहाँ पे लो रिंग कर दिया, तो रिंग के अंदर बस ये सेगमेंट आने वाला है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता तो मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, ये सेगमेंट बस यहाँ पे आया। अभी इन दोनों को कनेक्टिविटी दे दें यहाँ पे, मल्टी कट पे गए, ये देखो एंटर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा सेगमेंट के साथ भी डील करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर तो चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, अगर चीज़ें देखने में छोटी है लेकिन हाँ आप इसको मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। देखो दिस वन एंड दिस वन था यहाँ पे, ये जो मुझे काम करना है अभी, इसकी मुझे नीड नहीं है तो शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट एजेस, ठीक है। इसकी भी अगर मैं मैनेज करूँ तो मुझे इसकी और इसकी नीड नहीं है। अभी देखो एजेस आ गए, उस एजेस को बनाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसके अंदर अगर मैं मैनेज करूँ, मैं कहा भाई मुझे ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया, समझ आते हैं, ये जो पार्ट है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा लिटिल बिट मैनेज किया, शिफ्ट एंड बेवल एडजस्ट करते हैं, तो 2 और 3 ऐसे सेगमेंट मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। मैं मुझे अगर पॉइंटेड बनाना हो तो मैं पॉइंटेड को और भी बैलेंस करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे और फॉर स्केल, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा और मैनेज कर दूँगा, तो मेरे पास आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा और मैनेज करना है तो मैं ऐसे और ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आप राउंडनेस बना सकते हो, एक ही एंगल से राउंडनेस है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो टर्न देखिएगा आपको यहाँ पे कि कैसे आपको क्या काम करना है, ठीक है। डिस्प्ले शो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए एंड राइट साइड पे गए, 4 प्रेस कर दो, छोटे छोटे शेप्स हैं, छोटे छोटे शेप्स को आपको अलग से डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया शिफ्ट एंड क्रिएट पॉलीगन टूल, क्रिएट पॉलीगन टूल से मैं चीज़ों को मैं बनाना स्टार्ट करता था। यहाँ पे शेप में देखें अभी ऐसे, ठीक है, लेकिन अब वैसे खिंचा हुआ तो बहुत ज़्यादा बेटर है, तो नहीं लग रहा इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करते तो ऐसे थोड़ा बैलेंस लगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ कंट्रोल एंड स्पेस बार, अभी देखो ये पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया स्विफ्ट एंड 1, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे राउंडनेस है, राउंडनेस साथ आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस करने से देखा पे ऐसे ही मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जी मतलब रिपीट कमांड, यहाँ से ये देखो तो शेप अभी आपको ट्रेस करना पड़े, तो ट्रेस करने के लिए आपको यहाँ पे शेप को बैलेंस करना पड़ेगा, क्या ऐसे करके मैनेज कर दो तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको जस्ट ये देखो, अभी ये देखो शेप्स सब कुछ सेम नहीं है,
ऐसा लगे कि मेरे पास सब सेम सेप है तो वो नहीं है, मैं लगे थोड़ा सा राउंडनेस मुझे अगर मैनेज करना है तो पॉइंट्स मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा फिर, जहाँ पर मुझे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे तो और चीज़ों का ऐसे कुछ मैनेज करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंटर कर देना जी पे गए यहाँ पे। ये काम हो गया, जी प्रेस कर दिया, जी में मैंने किया तो भाई मेरे पास यहाँ पर 1 2 यहाँ से 3 एंड 4 यहाँ से ये पार्ट यहाँ पे देखा मैंने ऐसे बस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंटर, फिर जी मैंने प्रेस किया, जी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, अभी देखो ये सब चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, अभी ये सब चीज़ें हैं इनको मैंने H4 हाइड कर दिया। कंट्रोल एस 4 एंड 5 ठीक है सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, यहाँ देखो 4 एंड 5 देखो यहाँ पे, ये बात आपके से यहाँ पे इसको मैंने कर दिया H4 हाइट, ये मैं सेट कर दिया। अभी कुछ ये पॉजिटिव कुछ ये निगेटिव आ रही कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में, तो हमने यहाँ पे देखें अभी सबको मैंने कर दिया शिफ्ट एंड कंबाइन, कंबाइन कर दिया। फेसेस पे गए, सारे फेसेस सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पे कंफर्म नॉर्मल्स, कंफर्म नॉर्मल्स में कुछ काम नहीं हुआ दिया तो मैं देखो ये मस्ट पार्ट दिख रहा है यहाँ पे सबको मैंने रिवर्स ही कर देना, रिवर्स नॉर्मल्स सभी ब्लैक हो जाए। ठीक है, अभी शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये एक्सट्रूड करके तो ऐसा थिकनेस मैंने दे दिया, भाई थिकनेस में पास ऐसा कुछ आना चाहिए तो बेसिक शेप में पास यहाँ पे आ जाएगा। एक चीज़ और, जैसे मैं यहाँ पे थिकनेस दे रहा हूँ ना, ठीकने साथ मुझे एक चीज़ और देना है यहाँ पे, कनेक्टिविटी देना, कनेक्टिविटी नहीं दी यहाँ पे, कनेक्टिविटी नहीं तो ये फिर फेक ही लगेगा। अगर मुझे सिर्फ उसके लिए काम करना है, क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपल बेसिक शेप के लिए दिखा के काम करना है तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कनेक्टिविटी नहीं दूंगा तो सब गलत हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताया कनेक्टिविटी है क्या, जैसे मैं पहले अंडू करता हूँ, देखो देखो यहाँ पे मैंने अंडू किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी को आपको पहले फोकस करके चलना है। एक्सट्रूड में देखें, एक्सट्रूड में कहीं कुछ आगे पीछे तो नहीं, जिससे कनेक्टिविटी होता है क्या समझे आपका। सिर्फ मल्टी कट यहाँ से आपको ट्रायंगल या क्वाड ही बनाना होता है, अगर आप गेमिंग में या प्रोडक्शन में जा रहे हो तो प्रोडक्शन में सिर्फ क्वाड बनाना है, गेमिंग के अंदर आप ट्रायंगल भी बना सकते हो। देखो ये कनेक्टिविटी है, तो ये अगर आपका पहले से बना है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो ठीक है, मेक श्योर ये होना चाहिए, अगर आपका सही नहीं है तो फिर किसी काम के भी नहीं है, आपका मॉडल आपका सही नहीं है। ठीक है, अगर मैं अपने थोड़ा समय मैनेज करता हूँ, देखो आप ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे किया। ओके, यहाँ से दुकान पर लगता है यहाँ पे मुझे देना तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो क्वाड है, ठीक है इसकी क्वाड है, ठीक है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने ऐसे ही दे दिया। ठीक है, एंटर ट्रायंगल एंड ठीक है ये मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ से मैंने यहाँ तक कर दिया तो एंटर। ठीक है, ये बार आपके यहाँ पे होगा चीज़ों का मैनेज करता हूँ अपने आप में। ये हमने पहले क्यों किया, एक्सट्रूड करते हुए क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर मुझे डबल मेहनत करने पड़ जाएगी। देखो फिर आपको एक ऑप्शन भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है यहाँ से क्या, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, अभी ये चीज़ आपको यहाँ से यहाँ तक सेट करना पड़ेगा आपके यहाँ पे। लगता है क्वाड बना सकते हो, क्वाड में ट्रायंगल सा ट्रायंगल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेक श्योर टोपोलॉजी बोलते हैं, टोपोलॉजी का ठीक होना भी जरूरी है, टोपोलॉजी अगर आपका बेटर नहीं है, देखो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे भी काम कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं कि अगर मैं यहाँ पे काम करता, देखो ट्रायंगल या क्वाड ही होना चाहिए, पेंटागन नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलती से कुछ ऐसा बना भी दिया तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, भाई आपने ये चीज़ मिस कर दिया है। ठीक है, जहाँ मेरे पास ट्रायंगल के काउंट होंगे तो ट्रायंगल काउंट पर ऐसे भी करके मैं काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, आप मेक श्योर यहाँ पर मुझे थोड़ा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब मैंने सेगमेंट्स दे दिए हैं। इसके बाद बाई चांस ऐसे लगे कि भाई मुझे कुछ पता है कि नहीं पता, तो शिफ्ट एंड क्लीनअप करके एक ऑप्शन आता है, जैसे क्लीनअप बोलते हैं एडिट में, रीसेट यहाँ पे फोर्स एडिट है, फोर्स एडिट में अगर आप देखो तो फोर्स एडिट एंड यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो, सेलेक्ट पे गए, अप्लाई पे गए, फेसिस मोर देन
फोर्स एडिट, तो देखो ये देखा ये एक हमारे से छूट गया फोर्स एडिट से, ये देखो एक्स्ट्रा है मतलब वर्टेक्स पे करो देखो वर्टेक्स कहीं एक्स्ट्रा है, तो ये वर्टेक्स को करके डिलीट कर दो, अभी क्रॉस चेक करो तो सही होगा ठीक है।